दरअसल हाथरस कांड में इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसियों ने हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी साजिश रची गई। फंडिंग के जरिए भारत के बाहर से नफरत फैलाने वाले झूठे और योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। जांच एजेंसियों की माने तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए दूसरे राज्यों और देश के बाहर से फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि हाथरस केस में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होते ही ये सारे अकाउंट बंद हो गए और ट्वीट डिलीट भी कर दिए गए। दीपक के पास हम चलते हैं।